और मेरा फेस देखो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ कंप्लीट, और आज मैं फटाफट से रेडी हो गई और मुझे जल्दी जाना है शॉप पर, क्योंकि आज बनाना है मुझे आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल। और कल रात को मैंने जो फुट क्रीम लगाई थी उससे मेरे पैर काफ़ी ज़्यादा हील हो चुके हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कैसा इफ़ेक्ट है। एक ही दिन में आप इफ़ेक्ट देख के चौंक जाओगे। पैर मेरे लगभग क्लियर हो चुके हैं, थोड़े कुछ है वो रेगुलर लगाने की वजह से, और एकदम क्लियर हो जाने वाले हैं। इस क्रीम का इफ़ेक्ट इतना अच्छा है ना कि जिसके पैर कभी सही नहीं हुए उनके भी हो जाएंगे, यानी इतना अच्छा इफ़ेक्ट है। तो अभी कर लेते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट, और फिर फटाफट से खाने की भी मैं तैयारी कर देती हूँ और फिर चलेंगे शॉप पर। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह लेंगे। और ये सिटी बज रही है पीछे मिट्टू को खिलाने के लिए, तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। आज ब्रेकफास्ट में पपाया और ब्रेड लिए और मेरी कॉफ़ी। ये हमारा सेटअप जा रहा है कंप्लीट रेडी होकर, वहाँ जाकर पूरा खुल जाएगा। और सुरेश भाई कैसे, हाय कह दो। अभी आ गई हूँ मेरे फेवरेट प्लेस पर, जो कि है मेरा स्टूडियो। और आज बनने वाला है फाइनली ट्यूटोरियल, आज सब बनाना ही है, कुछ भी हो जाए बनना बन जाएगा। तो आ गए इसलिए बन जाएगा, नहीं आते तो नहीं बनता है। पर आंखें बहुत जलती है यार इधर, क्योंकि पीछे है ना वो, है ना, लाइटिंग वगैरह सब सेट करनी पड़ेगी ना, मैंने सब फिक्स कर दी थी इसलिए। अभी मैं ट्यूटोरियल ये लगा रही हूँ लेंसेज और ये सब, और लेंस मैंने पहन लिए हैं और कुछ ही अलग कलर के, बाकी ज़्यादा डिफरेंट कलर नहीं है, क्योंकि मुझे इंडियन लुक ट्राई करना है इसलिए। तो साथ साथ मैं रो भी रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट लेंस लगे इसलिए पानी तो निकलेगा। तो अभी पीछे जाती हूँ स्टूडियो में। ये हम अभी स्टूडियो में प्रवेश कर रहे हैं। आहा, स्टूडियो तो चिल्ड चिल्ड है, चिल्ड हो गया नहीं। हाँ, और आवाज भी गुंजनी कम हो गई। सामान भी अब ज्यादा रखा था। मेरी साड़ी व्हाइट और रेड कलर की है, रील्स के लिए अभी मैं अच्छा गाना देख रही हूँ। और आज मैं मेकअप ट्यूटोरियल पूरा शुगर की चीजों से ही क्रिएट करने वाली हूँ। हाय, मेरा न्यू काच आ गया, यानी मेरी न्यू डिस्प्ले आ गई है, जिसके अंदर मुझे देखकर मेकअप करना काफ़ी इजी हो जाएगा। पहले मिरर था तो मिरर में, प्लस यार मिरर से भी ज़्यादा क्लियर है ये तो, और मुझे पता चलेगा कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, कैसा दिख रहा है कैमरे के अंदर। और अब तो क्या बनने वाला है ट्यूटोरियल, मेरा कैमरा भी मस्त दिख रहा है, पर कैमरे में मैं पास में से कर रही हूँ, बाप रे कितनी गंदी दिख रही। तो डिस्प्ले देखो भाई, डिस्प्ले। ठीक है, अब मैं बना रही हूँ ट्यूटोरियल, तो बाद में मिलेंगे अपन। ट्यूटोरियल बन चुका है, पर मैं मेरे फेस को क्लीन कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए। और मेरा फेस देखो, मेकअप हटा रही हूँ तो ऐसा हो गया है। बहुत ही अच्छा मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बना है, इसके पीछे ही ये सब मेहनत है, 4 से 5 घंटे लग गए हैं। आज मेन ट्यूटोरियल ही बना है और वो ही मेन था, ये बहुत टाइम से बन नहीं रहा था। क्या हालत है अभी मेरे फेस की, और अभी मैं इस ओरिगामी के टिश्यू से फेस क्लीन कर रही हूँ। और मैंने मेकअप रिमूव किसी मेकअप रिमूवर से नहीं किया है, जबकि मैंने मेरा मेकअप रिमूव कोकोनट ऑयल से किया। मैं कभी कभी कोकोनट ऑयल से भी कर लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझे ऑयल से मेकअप रिमूव करना भी। और ओरिगामी के टिश्यू काफ़ी सॉफ्ट है, तो उससे मैं मेकअप मेरा रिमूव करती हूँ। मैंने सारा ऑयल से मेल्ट तो कर दिया था मेरा मेकअप, बट मैंने सोचा क्यों ना ये दिखाया जाए आपको। मेकअप का ट्यूटोरियल किस पे आने वाला है, चलो गैस करो। करवा चौथ पर बनाया ज़रूर है, पर करवा चौथ के ऊपर मैंने लुक कौन सा लिया होगा सोचो। और अभी मैं प्रॉपर बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं एक तरफ मेकअप भी रिमूव कर रही हूँ। मैंने थोड़ा भी इसलिए बताया ही नहीं क्योंकि फिर आप लोग गैस कर लोगे, हालांकि आज शाम तक तो आ ही जाएगा। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उसकी शाम को, तो ये 5 बजे आ जाएगा ट्यूटोरियल। सुबह सुबह गैस कर लो यार, शुगर का मस्करा इतना अच्छा है ना, थोड़ी चूड़ियाँ वगैरह दिख रही होंगी उससे कुछ गैस कर पाओ तो कर लो। एक बार तो मैंने मेरे फेस पे अच्छे से ऑयल लगा दिया था और मेकअप भी सारा मेल्ट कर दिया था। मैंने सोचा था मेल्ट करने के बाद ही बताऊँगी, पर फिर मेरे हाथ में ऑयल था तो मेरा ट्राइपॉड है वो ऑयल से क्या इसकी ग्रिपिंग खराब हो जाती है, तो मैं ऑयल वाले हाथ नहीं अड़ाऊँगी। फिर वॉश करने गई, ऐसा का ऐसा फेस रहने दिया, और फिर आपके लिए व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने दिखाया ऐसा ऐसा मेकअप पूरा रिमूव होके ऐसा हो गया,
और अब मैं मेरे मिशेल के फेस वॉश से कर लेती हूँ फेस वॉश, एंड फेस वॉश कर लेती हूँ। कल तक फेशियल कराऊंगी मैं ज्योति से अगर टाइम मिला तो, बाकी तो देखेंगे, टाइम मिला तो करवा देंगे, नहीं तो अभी तो मैं जा रही हूँ फेस वॉश तो कर लूँ एक बार, फिर आप लोगों से आके मिलूँगी। मेकअप पूरा कंप्लीट हट गया और मैंने मेरा सामान भी लगभग सारा ही संभाल लिया है, और अभी कुछ सामान है वो अपने ठिकाने पर रख देती हूँ। और पीछे स्टूडियो की हालत तो क्या है अभी, यानी कब जिस दिन काम होता है ना उस दिन तो यानी ज़बरदस्त की बिखरी पड़ी होती है। और ये डिस्प्ले भी यहाँ पर आ गई है, और बहुत ही अच्छा सेटअप हो गया है अब तो, मुझे इतना काफ़ी इजी हो गया है हर चीज़ में। और ये मेरा मास्क ले लेती हूँ, और कुछ भूल तो नहीं रही यहाँ से मैं। और आज तो क्या फ़ोटोशूट किया है ज़ोरदार वाला, मज़ा आ जाएगा आपको देखने का। इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर देखना, और रील्स भी बनाइए वो भी ज़रूर देखना। अभी तो मैं ऐसे ही यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ, क्योंकि ये तो चिकू करेंगे, क्योंकि चिकू प्रॉपर करेंगे इसलिए क्लोज। अब घर पे जाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि 7 बज गई है, और बाकी जो भी बचा कुचा है वो ज्योति संभालेगी सुबह आके। अब पार्लर मंगल कर देती हूँ, फिर आगे जाके बैठूँगी और चिकू आ जाएंगे लेने के लिए। अभी चिकू आ गए मेरे को लेने के लिए, पर आज एज इट इज़ छोड़ के सब कुछ चले गए थे, तो यहाँ पर सारा संभाल रहे हैं। पैकअप टाइम एक बार है ना, अपन अपनी कहते हैं ना माइक्स का वो बताएंगे यार, क्या कहते हैं, तोड़ देंगे माइक्स का हमने, माइक ट्यूर चिकू तो ये कंप्लीट बैग लटका के तैयार है, पर वाईफाई की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो अभी हैप्पी भैया पीछे वाले वाईफाई को स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, स्टार्ट ही है पर ऑफ करके ऑन करेंगे, और कब फिर कहीं कनेक्ट हो जाए क्योंकि प्रिंटर का काम पड़ गया है अभी इसलिए। और आगे आ गई है घर वाली डिस्प्ले, हटो यार दिखाओ ना सैमसंग की डिस्प्ले, ग्लोसी ग्लोसी मस्त दिख रही है। चिकू तुम स्कूल जा रहे हो ऐसे दिख रहे, तुम्हारे स्कूल में कौन सा टी शर्ट पहन के चलते थे? पीला सफेद। हाँ। तुम्हारे ग्रुप के हिसाब से रहते थे? शिवाजी ग्रुप नहीं बने हुए थे तुम्हारे? हमारे की शिवाजी नहीं था तो है। ठीक है, वेट नहीं लगता हुआ नहीं इससे? बिल्कुल भी नहीं, खत्म हो जाता है। ठीक है, तुम कर दिया। तो अभी आ गए घर पे, खाना वगैरह बनाते हैं और फिर आप लोगों से मिलेंगे। आज की हमारी डाइट शाम का डिनर कुछ ऐसा है, और अभी कर देती हूँ डिनर, क्योंकि शॉप से जिस दिन मैं ट्यूटोरियल बनाती हूँ उस दिन तो मैं क्या थकती हूँ, यानी नॉन स्टॉप 5-6 घंटे काम रहता है, और अभी चिकू के 2-3 घंटे का काम और है, क्योंकि व्लॉग भी एडिट करना है, ट्यूटोरियल भी एडिट करना है, बेचारे बहुत थक जाने वाले। खाना वगैरह सब हो चुका है और मैं भी अभी फ्री हो गई हूँ, तो आज थक गई हूँ तो जल्दी कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और सबसे मेन चीज़ वीडियो और ट्यूटोरियल बन चुका है पर कल शाम तक भी आ सकता है या फिर रात तक भी आ सकता है, 2 ऑप्शन है, तो स्टे ट्यून, क्योंकि थोड़ा बर्डन बढ़ जाता है ना यार, इधर भी शॉप पर रहना, उधर भी रहना, और चिकू का व्लॉग भी एडिट करना, तो सब मिक्स हो जाता है और थक भी जाते हैं काफ़ी, इसलिए तो स्टे ट्यून, ट्यूटोरियल आने वाला है मज़ेदार आपके पास, तो मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके, बाय बाय बाय।